तारिक साहब, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो या चाहे जिस किसी की भी हुकूमत हो या माजी में जो मार्शल लॉज रहे हैं यहाँ पे, इस सब में लोग सिर्फ ज़्यादातर जिस चीज़ से कंसर्न होते हैं उनके रोज़मर्रा के मामलात हैं, ख़र्चा, पानी, महंगाई, इन चीज़ों से जुड़े हैं। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि जो अभी सेटअप मौजूदा आ चुका है जिसमें IMF की जानब बढ़ने के तमाम तर इशारे बल्कि स्टेटमेंट्स भी दी जा चुकी हैं, मुझे ये बताइए ये सेटअप हो या इसके बाद आने वाला जौन सा भी सेटअप हो, अवाम को रिलीफ मिलेगा महंगाई की सूरत में या इसका सोल्यूशन किसी के भी पास नहीं रहा और मामला जो है वो किसी ऐसी नहज तक पहुँच चुके हैं कि प्रॉबली आउट ऑफ रीच हो जाएंगे टू अ सर्टन टाइम और आफ्टर सर्टन टाइम? जी मुर्ज़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो जो आपने ये जो सवाल पूछा था कि इत्तेहाद या हुकूमत कब तक चलेगी, मैं सिर्फ एक उस पर जुमला कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के मुखालफत में ये जो इत्तेहाद बना जो अब हुकूमत में मौजूद है, इसके बनने की सिर्फ एक रीज़न थी और इसके चलने की भी सिर्फ एक ही रीज़न है और उस रीज़न का नाम है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने इन तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया किसी भी वजह से, आप समझेंगे कि सबके खिलाफ एक साथ महाज खोल दिए या पॉलिटिकली उनको लगा कि वो जो है उनकी गर्दन दबाई जा रही है। और अभी भी इमरान खान साहब जितना एग्रेसिव होते रहेंगे, जितनी ज्यादा वो मोमेंटम अपना बढ़ाते रहेंगे, ये जो कोलिशन है और ये जो इत्तेहाद है ये उसी तरह से चलता रहेगा इमरान खान साहब की वजह से। क्योंकि वो जो बात भाई ने की बदर साहब के साहबजादे ने, 100% दुरुस्त बात है कि सबका जो है ना वो जीना मरना जो है वो इसी के अंदर है, यानी सियासी जीना मरना के वो इकट्ठे रहें। अब जो आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली यही सूरत हाल है कि जो हुकूमत कल अपोजिशन में बैठ के क्रिटिसाइज करते थे कि देखिए महंगाई हो गई महंगाई हो गई, आज वो बता रहे हैं, कल जो माजी की हुकूमत थी वो बताती थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना वो क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो सियासत की जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं तो क्रिटिसाइज हम उस हुकूमत पे भी करते थे कि जी इमरान खान साहब ने 150 कर दिया, अब आप कमिट करके आए हैं कि हम ग्रेजुअली जो सब्सिडी है वो ख़त्म करेंगे, इसका मतलब ये है कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेगा। 2018 में आज मुसद्दिक साहब ने कहा कि जी बिजली की फी यूनिट कीमत कोई 9 रुपये थी, आज कोई 17 रुपये पर पहुँचे भी है, हालात यही रहे तो उसमें भी इजाफा होगा। इन्फ्लेशन जो है वो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी हो कि वो एकदम से जो है वो नीचे आ जाए और वो 4-5% के ऊपर जब वो कहते थे हमारी माजी की हुकूमत थी। होगा ये कि अगर ये कुछ स्टेप ठीक ना हुए, वक्ती तौर पे तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, चाहे वो IMF की सूरत में हो, चाहे वो हम किसी दोस्त मुल्क से, अब ये सऊदी अरब भी जा रहे हैं, UAE से भी रब्ता हो रहा है, चाइना के अंदर भी कोई रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पोजिशन ये है कि बातें जरूर होती हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेगी, इम्पोर्ट कम नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, मेरे कान पक गए हैं कई हुकूमतों से ये बातें सुनते सुनते सुनते। अब अगर इलेक्शन भी आ जाए मुर्ज़ा और उस इलेक्शन के बाद जो है ना फिर यही सूरत हाल हो कि या पीपल्स पार्टी और नून सड़कों पर हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर हो, तो मेरा और आपका मुस्तकबिल जो है वो सिवाय तारीकी के कुछ नहीं है।